मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। जी हाँ, मेरे देश की धरती सोना उगलती है और हीरा मोती। इस समय खेतों में सोने जैसी गेहूं की फसल कटाई चल रही है। मेरे देश के किसान भाई अनाज मेरे हीरा मोती जैसे हैं। आप भी किसानों और सेनाओं का सम्मान करें, देशवासियों को यह समर्पित है। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। भारत के अनेक गांव और कस्बों में इस वक्त गेहूं की फसल पक चुकी है और गांव के सभी किसान अपने अपने खेतों में जाकर गेहूं की कटाई कर रहे हैं। विकराल गर्मी और धूप तेज़ी से चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसान भाइयों की मेहनत देखकर याद आता है कि जय जवान जय किसान का नारा, क्योंकि देश से दुनिया का ऐसा सिर्फ यही एक जो है संभाल रखे हैं। एक देश की रक्षा करने वाले सेना और दूसरा पेट भरने वाले किसान भाई ही देख सकते हैं। दोनों की मेहनत की ज़रूरत होती है। किस किसानों के लिए हम बात करें तो किसान खेतों में गेहूं की कटाई तेज़ी के साथ कर रहे हैं। जल्दी जल्दी अपने घरों में करने के लिए अनाज अपने घर तक पहुंच जाए, क्योंकि बारिश और तूफान इस समय आने का डर बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए किसान अपने खेतों में जुट कर जल्दी से जल्दी सभी किसानों का या जो है कोशिश देखा गया कि जो है जो अनाज है वह जल्दी से जल्दी अपने घर और स्थान तक पहुंच जाए, क्योंकि तूफान बारिश से बचा जा सके, अनाज को सुरक्षित किया जा सके, अपने घर तक जो है अनाज को बचा कर ले जाया जा सके। भारत के प्रत्येक किसानों को भारत सरकार किसान संबंधित सभी लोगों को जो है विशेष सहायता देती है। किसान भाई फसल को लेकर जागरूक तो हैं और वहीं पर तेज़ी के साथ जो है लोग खेतीबाड़ी भी कर रहे हैं। विशेष तौर से आपको बता दूं कि भारत में या सरकारी पहलुओं पर बात करें तो यह पहल आप देख सकते हैं कि इस वक्त तेज़ी के साथ चल रही है और विभिन्न तरह की सरकार भी अपने अपने किसानों के लेकर विशेष जो है जागरूकता भी फैला रही है। जैसा कि आप जानते हैं, किसानों की मदद के लिए समस्याओं से जूझ रहे सभी राज्यों की सरकार किसानों की खास ख्याल रखती है। वहीं पर यदि बात करें तो किसानों के लिए कोई समस्या ना हो, इसे देखते हुए आज हम सभी लोग यहाँ पर जो है DM, SDM और नोडल अधिकारी भी बिठाए गए हैं। विशेष तौर से आपको बता दूं, खेतीबाड़ी की पहलुओं पर यदि बात करें तो सरकारी जो है पहलुओं पर इस वक्त फसल गेहूं और गेहूं की कटाई तेज़ी के साथ जिस तरह से चल रही है, सरकार की क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीदारी निगरानी लगातार चल रही है। अनेक राज्यों की सरकार नोडल अधिकारी निर्मित किया गया है। नोडल अधिकारी जी का कार्य है निर्मित जिलों में जरूर स्थानीय पर्यवेक्षण करना कि ताज़ा गेहूं की फसल की खरीद पर परोक्त भंडारण हो रहा है या नहीं, किसानों की कोई समस्या तो नहीं हो रही। इसे सब देखते हुए चारों तरफ से हर राज्यों की सरकार किसानों की खास ख्याल रखते हुए वहीं पर यदि किसानों के लिए कोई समस्या हो रही है तो नोडल अधिकारी तत्काल DM साहब से संपर्क करते हैं। यदि DM साहब भी क्रय केंद्र के नोडल अधिकारी से बातचीत और बैठक कर सकते हैं। समस्त अधिकारी के साथ बैठक कर विभिन्न समस्याओं के बारे में किसानों के जो है समाधान निकाला जा सकता है। यही तो हम सभी का विशेष भरोसा है कि किसान भाइयों का जो आप नज़रिया देखते हैं, किसान भाइयों का जो कार्यशैलियाँ हैं, वह विशेष तौर से हम सभी को आज जिस तरह से मेहनत लगन हर चीज़ जो है उनकी एक कोशिश होती है और हम सभी तक, चाहे शहर के रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले हैं, उन्हीं की वजह से हम सभी का पेट पाला जाता है। और या जो है लोग जो शहरीकृत में रहते हैं वह गेहूं और धान और अन्य फसलों के बारे में क्या जानते हैं, वहीं पर किसान भाइयों से यदि पूछें तो सबसे ज़्यादा पहलू वही बता पाएंगे। तो आप देख रहे हैं
तो भारत सरकार लगातार किसानों की मदद भी कर रहा है। किसान निधि के अंतर्गत लोगों को विशेष तौर से जो है सहायता भी मुहैया करा रही है और खाद पानी और विभिन्न तरह के कार्यशैलियों का भी विश्लेषण आप देख रहे हैं। तो भारत सरकार लगातार किसानों की खुशहाली के लिए किसान निधि के अंतर्गत लोगों को जो है अच्छा विशेष और सहायता इस किसान कार्ड और फसलों के लेकर विशेष तरह से उन्हें जो है जागरूक करना और उनके खेतीबाड़ी का विशेष तौर से कार्य करना और यह देखा जा सकता है। किसानों को विशेष तौर से अपने नज़दीकी जो है कृषि भवन जाकर वहाँ पर खेतीबाड़ी के बारे में भी विशेष तौर से बातचीत करना चाहिए और वह बैठक भी करना चाहिए, क्योंकि फसल को लेकर विभिन्न तरह के जो भी फसलें आप उगाते हैं उसके बारे में विशेष तौर से आप सभी लोगों को जागरूक और उसे खेतीबाड़ी करने का जो है उसका मापदंड क्या है ये भी जानना चाहिए। अपनी मिट्टी मृदा भी प्रशिक्षण करवाना चाहिए, जिससे कि क्या पता चल सके कि आपकी खेत किस तरह का है और क्या उगाया जा सकता है। तो फिर हम आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे के साथ, तब तक अपना ख्याल, परिवार देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।